2014 में 3 मार्क्स का, 2013 में 2 मार्क्स का, 2016 में 3 मार्क्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखना ध्यान से करेंगे कैसे। ठीक है, 650 और 1170। ठीक है, आराम से समझना, बड़ी बड़ी डिजिट है सर, कैसे होगा देखना ध्यान से। दो तरीके हैं, पहला तरीका पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं, जो नॉर्मल अपना तरीका है। मतलब क्या करेंगे, 650 में डिवाइड लगाएंगे किसका, 1170 का। ठीक है, तो ये वन टाइम में जा रहा है, दिख गया हमें, क्योंकि भाई इसका डबल करेंगे तो 6 × 2 = 12 और 1300 जाएगा, जो इससे ज्यादा हो रहा है, तो ये एक गया 650। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ से, ध्यान से देखो, 0 से 0 गया तो यहाँ गया 10 में से 4 और 17 में से 5 गए 2, तो 7 × 2 और ये कितना बचा, 520। ठीक है, और 520 को फिर से डिवाइड करेंगे हम किससे, 650 से। ठीक है, गोले बनाते हुए चलना, गोले किस पे बनाने, जो इसको हम ले रहे हैं, इसको लिया तो इसको यहाँ पे। ठीक है, अब अगले में देखेंगे। ठीक है, अब तो ये कितनी बारी में जा रहा है, लगभग वन टाइम में जा रहा है, पता दिख रहा है, तो ये वन टाइम में गया तो कितना बचा, 130, कितना बचा, 130। ठीक है, अब देखना, अब किसको लिखेंगे, 530 को। अब यहाँ पे किसको लिखेंगे, 520 को। ठीक है, यहाँ तो अब इसको लिखा, तो इस पे गोला बना लो और इस पे गोला बना लो, ये बाहर वाला और अंदर वाला, अंदर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, ये, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मत बनाओ, चलो हटाओ, इस पे बना लो। ठीक है, ये ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब किससे डिवाइड करेंगे, इससे, तो मतलब 130 को यहाँ पे लिख लिया, तो और 130 से ही डिवाइड लगाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा लो 130 से, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखो, 13 की टेबल आपको पता होनी चाहिए, 13 × 1 = 30, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, और ये 0 आ रहा है तो 0 लगा देंगे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया किससे, 4 टाइम में। ठीक है, कितना बच गया, 0। और मैंने आपको हमेशा से बताया कि क्या कहा है, जब भी डिवाइजर रिमाइंडर 0 दे दे, जब भी डिवाइजर रिमाइंडर 0 दे दे, तो वही हमारा SCF हो जाता है। तो हमारा SCF क्या हुआ, यहाँ पे 130। ठीक है, SCF कितना हुआ, 130। तो SCF हमारा कितना आ गया, 130, यही हमारा आंसर है। देख लो कितना बढ़िया बढ़िया आसान आसान से क्वेश्चन है, और कितनी कितनी बार बोर्ड में पूछे गए हैं, था इस क्वेश्चन में कुछ दम था, देखो लगातार पूछा आ रहा है। बस क्या है, बार बार वही चीज कह रहा हूँ आपको, इस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में एकाएक आते हैं, तो आपको बड़ी कैलकुलेशन लगते हैं, लंबे लगते हैं, क्या रे इतनी बड़ी कैसे डिवाइड होगा, आप लोग परेशान हो जाते हो, परेशान हो तो क्या करो, ऐसे ही करा करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी बताना ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।